गाइस, मैं खुशीरो आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। घर में खत्म हो गया था बच्चे का दूध, माँ ने आधी रात को बुला ली पुलिस। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस, सिनोन बर्ट नाम की एक महिला ने जो है अपनी कहानी सोशल मीडिया के जरिए शेयर की। उन्होंने ये चीज बताया कि मेरा बच्चा है वो 6 हफ्ते छोटा है और उसी दौरान ही मदर फीडिंग मैं इस वक्त नहीं करवा पा रही हूँ उसको, जिसके कारण उसको फ्रोजन दूध पिला रही हूँ, पर घर में फ्रोजन दूध जो है वो खत्म हो गया। उनके पति भी उनके साथ नहीं रहते हैं, उनके पति जो बाहर काम करते हैं और उस वक्त उनके पास नहीं रह पाए। सब सामान घर में रहता है पर कुछ ना कुछ कुछ कभी कभार चूक हो जाती है और मेरे से भी दूध लाने में चूक हो गई और मेरे बच्चे को आधी रात को बहुत ज्यादा भूख लगी। मैंने अपने दोस्तों को फोन किया, सब लोगों को बोला कि मेरी मदद की जाए, पर किसी कोई भी टाइम पे मदद करने के लिए नहीं आया। तो लास्ट में मेरे पास यही ऑप्शन बचा था कि मैं अपने बच्चे के लिए उसको दूध प्रोवाइड करने के लिए पुलिस को, पुलिस के इमरजेंसी नंबर पे कॉल करूं। तो वैसे ही सिनोन बर्ड ने जो है पुलिस के इमरजेंसी नंबर पे कॉल किया। कॉल करने के बाद अपनी दुविधा जो है वो बताई। वहीं पर इमरजेंसी कॉल उठाने वाले ये जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, उन्होंने एक और अपने कर्मचारी को जो है इसी महिला के घर दूध दे के भेजा, जिसके बारे में जानकारी सिनोन बर्ड ने खुद सोशल मीडिया के थ्रू दी और उसके बाद लगातार लोग जो है पुलिस की काफी ज्यादा सराहना कर रहे हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।